हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज इन्फो। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारे आगे आने वाले नई इंटरेक्टिव और नॉलेजेबल वीडियोस की इन्फॉर्मेशन पब्लिक नोटिफिकेशंस मिलती रहे। आज का हमारा टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देखिए, आप इसी प्रकार से जानते हैं कि हम तीन चीज़ों पर हमारी लाइफ जो है बेस्ड है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम आपको इन तीनों चीज़ों के बारे में डिफरेंस बताएंगे। देखिए, जो तीनों में डिफरेंस है, सबसे पहली बात कर रहे हैं हम सॉलिड की। सॉलिड में क्या होता है, हमारी शेप और जो हमारा वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, डेफिनेट होता है। यानी कि हमारा जो शेप है होता है वो बिल्कुल एक जगह स्थिर होता है, वो शेप चेंज नहीं होता है। और जिसका वॉल्यूम होता है वो भी उसका डेफिनेट होता है, वो वॉल्यूम उसका चेंज नहीं होता। सॉलिड का मतलब होता है ठोस, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम लिक्विड की। लिक्विड का मतलब होता है तरल पदार्थ। तरल पदार्थ का मतलब क्या होता है कि इसमें कोई शेप नहीं होता है, जिस फॉर्म में भी आप डालेंगे उस फॉर्म में वो शेप ले लेता है। और इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता, इसका वॉल्यूम भी चेंज होता रहता है। मतलब कहने का मतलब ये कि जैसे हम आप पेट्रोल की बात कर लेते हैं, ठीक है, पेट्रोल का कोई शेप नहीं होता, ठीक है, या वाटर का कोई शेप नहीं होता। जैसे हमने पेट्रोल को डाला टंकी में, जैसे ही डाला उसने टंकी के फॉर्म में अपने शेप को ले लिया। हमने पानी को जग से गिलास में डाला तो उसने क्या किया, वाटर ने अपने शेप को ग्लास के अकॉर्डिंग ढाल लिया। यानी कि उसका जो वॉल्यूम है, उसका जो शेप है, वो सांचे के अनुसार ढल जाता है। लिक्विड का क्या होता है, लिक्विड का कोई फॉर्म नहीं होता है, ठीक है, ये इसका कोई शेप नहीं होता है, इसका वॉल्यूम नहीं होता है। इसका क्या होता है कि ये चेंज होता रहता है। इसका भी वॉल्यूम क्यों नहीं होता, क्योंकि लिक्विड जो है वो उड़ता रहता है। मतलब लिक्विड जो है आसमान में उड़ता है, ठीक है, वो बहुत ही कम फॉर्म में। अच्छा, इसके बाद आता है गैस। गैस क्या होता है, गैस हमारी कई प्रकार की होती है। नाइट्रिक ऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन होती है, सब हमारी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हमारी बहुत सारी गैसेस होती हैं जो कि हमारे साइंटिफिक एरियाज़ में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। हमारे रिसर्च और लेबोरेटरीज़ में गैसेस का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब हमारी गैसेस होती हैं। गैसेस का भी कोई शेप नहीं होता है, कोई वॉल्यूम नहीं होता। देखिए, लिक्विड में और गैस में अंतर क्या होता है, देखिए लिक्विड में जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, और जो गैसेस में वॉल्यूम होता है वो फिक्स नहीं होता। लेकिन लिक्विड क्या होता है, धीमे धीमे करके उड़ता है, गैसेस बहुत जल्दी उड़ती है लिक्विड का। लेकिन तब भी अगर हमने 500 ml, ठीक है, जो लिक्विड की जो यूनिट होती है वो ml में होती है, लीटर में होती है, मिलीलीटर में होती है। सॉलिड की जो यूनिट होती है वो ग्राम होती है, किलोग्राम होती है, ठीक है। गैस की यूनिट क्या होती है, गैस हमारी जो है फॉर्म में होती है, मतलब गैस हमारी शेप, या मतलब इसकी कोई शेप नहीं होती, इसका कोई वॉल्यूम नहीं होता है, ठीक है। कितनी गैस भरी है इसमें हमें ये देखना पड़ता है। अच्छा, गैस हमारी जो है एयर के द्वारा फ्लो होती है, ठीक है, ये हमारे एनवायरनमेंट में बहुत आसानी से जल्दी से फैलती है। इसका कोई शेप नहीं होता, इसका कोई वॉल्यूम नहीं होता है, ठीक है। अब बताते हैं आपको तीनों में मेन डिफरेंसेस क्या होता है। सॉलिड क्या होता है, रिजिड होता है, फिक्स्ड शेप होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ठीक है। मतलब एक जगह स्थिर होता है, इसका फिक्स्ड शेप होता है, और इसका वॉल्यूम जो है नहीं, इसका कितना इसका वेट है, ठीक है, वो ही फिक्स होता है। लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में नॉट रिज्ड, मतलब इसके जो पार्टिकल्स होते हैं फैले होते हैं। सॉलिड क्या होता है, पार्टिकल रिज्ड होते हैं, मतलब एक जगह जो है इकट्ठे हो करके आपस में जो है कोऑर्डिनेट बन कर लेते हैं। लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं, वो तैरते रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब रिग्ड नहीं है तो इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं है। यहाँ पे सॉलिड में क्या था कि रिग्ड था, यानी कि इसके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सब मॉलिक्यूल नहीं कह सकते, जो इसके पदार्थ हैं, ठीक है, प्रोडक्ट के जो पदार्थ हैं वो एक जगह इकट्ठा है, तो क्या इसकी फिक्स्ड शेप बन गया। लिक्विड का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, मतलब कितने ml की एक डेंसिटी होती है, कि मतलब हमने इतनी ml हमारा वाटर है, हमारा 1 लीटर है, 5 लीटर है, 10 लीटर, इसकी फिक्स्ड होती है। सॉलिड में फिक्स्ड होता है। अब गैस की बात करते हैं, गैस में नॉट रिक्ड होता है। गैस के में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होते हैं, ठीक है, और इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता, इसका फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है। क्यों, क्योंकि बहुत आसानी से उड़ने लगता है, ठीक है, और इसका जो कोई शेप होता है वो फिक्स नहीं होता, जहाँ जिस शेप पे भी आ जाता है, जिस शेप पे भी हम इसको भरते हैं गैस को, उस शेप पे आ जाता है। आपने बहुत सारी लेबोरेटरीज़ में देखा होगा कि जो गैस के लिए जो कांच का इक्विपमेंट को यूज़ करते हैं, लिक्विड के लिए भी हम कांच, और ये हर
क्योंकि के लिए हम किसी भी प्रकार के इक्विपमेंट को इस्तेमाल कर लेते हैं। गैस में हम जनरली कांच को ही इस्तेमाल करते हैं। सॉलिड में जितने पार्टिकल्स होते हैं वो एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। लिक्विड में सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़ा दूर दूर होते हैं, गैसेस में बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं। तो ये डिफरेंस है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आपने देखा होगा तीनों में ये डिफरेंस है। अब क्या है प्लाज्मा, अब देखिए टाइप्स ऑफ प्लाज्मा टाइप्स, इसमें भी सॉलिड लिक्विड और गैस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे भी आपने देखा होगा हमारा जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में हमारा लिक्विड भी आता है। लिक्विड क्या हो जाता है, लिक्विड फ्रीज हो जाता है तो सॉलिड के फॉर्म में बन जाता है। अब वही सॉलिड अगर एयर के द्वारा भाप बन जाता है तो वो गैस के फॉर्म में आ जाता है। तो ये हमारा एक साइकिल है स्टेट्स ऑफ मैटर का। देखिए स्टेट्स ऑफ मैटर में क्या होता है कि मेल्टिंग, फ्रीजिंग, ठीक है, इवोपरेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर्स में आती हैं। हमारा जो जैसे कि हमारे बादल हैं ये गैस के फॉर्म में होते हैं, पानी बरसता है लिक्विड के फॉर्म में आ जाता है, लिक्विड को अगर हम जमा दें तो सॉलिड के फॉर्म में आ जाता है। तो ये हमारा पूरा इन्वायरमेंट के अनुसार गैस, लिक्विड और सॉलिड है होते हैं, जिसमें हम पार्टिकल्स जितने ज़्यादा पास होते हैं वो सॉलिड हो जाता है, थोड़े दूर होते तो लिक्विड और बहुत ही ज़्यादा दूर होते तो गैस। तो ये अंतर होता है। इसमें हमें देखना होता है कि कौन, इसमें जो हमारा सेल्सियस होता है, हॉट कोल्ड, ये बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है। ये इसी को कहते हैं हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गॉस एंड गैस। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो। थैंक यू सो मच।